नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। प्रतिदिन करंट अफेयर्स में आपको बताते हैं कि दिन दुनिया में कौन सी खबरें घटित हो रही हैं। उम्मीद है कि इससे आप झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी के अलावा बीपीएससी और आईएएस जैसी कठिन परीक्षा में भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल को जरूर बना डालेंगे। आज बात करेंगे दुबई का। दुबई के साथ चीन, अमेरिका, ब्रिटेन में कौन कौन सी घटनाएं इन दिनों सुर्खियों में है, करंट इवेंट में चर्चा में। साथ ही साथ ईरान के बारे में बताएंगे कि वहां पर बाढ़ आने का कारण कौन सा है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज चाइना से। चाइना इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि चीन में 30,000 नक्शे को डिलीट कर दिया गया। डिलीट का मतलब है नष्ट कर दिया गया है। क्यों? पहले तो आपको समझाते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सा रिलेशन है और कैसे सीमा विवाद हमेशा से हावी रहा है। भारत ने किस वर्ष जय जवान जय किसान का नारा दिया था चीन से युद्ध होने के बाद, सारी चीजों का आज विस्तार में बताएंगे। साथ में दूसरे करेंट अफेयर्स भी होंगे। भारत और चीन के बीच दो रेखा है, एक मैकमोहन रेखा और दूसरी रेखा जो है वह पूर्वी प्रांत में जहां लद्दाख के पास है, लद्दाख रीजन में हो, जिसको अक्से चीन के नाम से जानते हैं। जो मैकमोहन रेखा है ये विवादित शुरू से रहा है। विवाद का कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में के पास जो बॉर्डर लाइन है वहां पर चीन का मानना है कि ये इलाका उसका है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और सिक्किम के कुछ हिस्से पर चीन शुरू से अपना मानता रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर भारत के कब्जे में पूर्ण रूप से चाइना जिसे अपना कहता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसका भारत में विलय हो चुका है। सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1975 और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो गया। पहले इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन के काल से ही यह विवादित था। जहां पर चुंबी वैली है और नाथुला दर्रा है, ये दोनों स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था। बाद में 1949 ईस्वी से चाइना इस पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन ये भारत का पूर्ण रूपेण स्वामित्व वाली क्षेत्र है। जाहिर सी चीज है कि चीन को यह पसंद नहीं आता है। चीन अपने मन मुताबिक नक्शा छापता है। चाइना में जो नक्शा प्रकाशित किया जाता है उसमें अरुणाचल प्रदेश को और सिक्किम को और भारत के लद्दाख क्षेत्र को वह अपने नक्शे में शामिल करता है। भारत इसका यूनाइटेड नेशन में भी विरोध कर चुका है, लेकिन चीन में इन दिनों जो नक्शा प्रकाशित हुआ है उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अक्से चीन के एरिया को हटा दिया गया। इससे चीन की सरकार खफा है और वो चाहती है कि पुराने नक्शे को ही वो चलाए और इसी नक्शे को वो लागू करे। अब आपको हम ये बता दें कि भारत में अरुणाचल प्रदेश के साथ डोकलाम वाला मुद्दा भी बहुत हावी है। डोकलाम भूटान के समीप है, भूटान में पड़ता है और ये भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन है, मतलब तीनों देशों के बॉर्डर यहाँ पर है। चीन ने अपनी एक योजना लाई थी वन एरिया वन नेशन वन रोड का, तो वन बेल्ट वन रोड जो आया, यहाँ पर भारत ने विरोध शुरू कर दिया क्योंकि जब डोकलाम में रोड बन जाएगा तो वह सीधा भारत को फेस करेगा और सीधा भारत को जब फेस करेगा तो ये मुश्किल चुनौती हो जाएगी भारत के लिए और कभी भी युद्ध की आशंका हो सकती है। 1962 में जब भारत और चीन की युद्ध हुई थी उसी समय में जिस समय में भारत सरकार पूरी ताकतवर के साथ में चल रही थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1962 1965 के बाद जय जवान जय किसान का नारा दे दिया था और उसने कहा था कि भारत के लोगों को खाली जमीन में खेती करनी चाहिए। और इसके बाद ही भारत ने अमेरिका को भी दरकिनार करते हुए अपने गेहूं की फसल को बढ़ा लिया था और उन दिनों लाल रंग का गेहूं जिसकी आयात की जाती थी उस गेहूं को आयात करने पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका के साथ भी कुछ दिनों के लिए संबंध खराब हुआ था। फिलहाल अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर है और चीन के ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव डाला जा रहा है, लेकिन चीन के साथ भारत के रिश्ते को सुधारने के लिए भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना होगा और स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा
मूल्यांकन करते हुए पूरे भारत में प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता हो, तभी जाकर चीन की तुलना में भारत इकोनॉमिकली बड़ा हो पाएगा। करेंट इवेंट में दूसरी आज की खबर लेंगे ईरान से। ईरान ऐसे तो अमेरिका के निशाने पर भी है और ईरान में हमेशा युद्ध की धमकी अमेरिका देता रहता है, लेकिन इन दिनों ईरान बाढ़ से परेशान है। ईरान वेस्ट एशिया का देश है और यहाँ पर बाढ़ अक्सर आता नहीं है। इस बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है कि वेस्टर्न एशिया में लो प्रेशर सिस्टम का डेवलप हो जाना और लगातार बारिश और ड्रेनेज पैटर्न का वहां विकसित नहीं होना। ईरान में दजला और फुरात यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेट जो इराक से निकलने वाली नदी है, ये दोनों इराक के अलबसरा पोर्ट में मिलने के बाद ईरान को बॉर्डर करती है और यही कारण है कि ईरान के साथ इराक की भी काफी दिनों तक पानी को लेकर लड़ाई हुई थी। इराक के उत्तरी क्षेत्र में कैस्पियन सी है जो सबसे बड़ा इनलैंड लेक है पूरे वर्ल्ड का, और इसमें ईरान में उर्मिया लेक है जो पूरे वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा झील है, लेक उर्मिया। इसके साथ ईरान की राजधानी तेहरान, ये वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा शहर है, और इस्फाहान ये वेस्ट एशिया का ईरान में सबसे बिजी रेलवे जंक्शन है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ईरान के कुछ जो इलाके हैं वो कम से कम आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे हैं। तेल के लिए देश प्रसिद्ध है और यहाँ पर दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर नाम का डेजर्ट है। ये दोनों डेजर्ट में सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। इन दिनों यहाँ पर बारिश होने के बाद बाढ़ का कारण है ड्रेनेज पैटर्न का नहीं बनना और वेस्टर्ली डिप्रेशन का नीचे की ओर खिसक जाना। पछुआ विक्षोभ जब नीचे की ओर खिसक जाती है तो कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेने के बाद इसकी बारिश इस इलाके में शुरू हो जाती है। ऐसे भी मार्च और अप्रैल के सीजन में लोकल विंड होते हैं और लोकल विंड के चलते यहाँ पर बारिश अक्सर होता रहता है। ईरान के बाद आपको दुबई के बारे में खबर देंगे कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब शुरू हो गया है। वर्ल्ड का ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब के शुरू होने से वेस्ट एशिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी दुबई का नाम उजागर हो गया। इसमें 1,00,000 टन कचरा को प्रोसेस करने की सिस्टम बनाई गई है जिसमें 1,00,000 टन कचरा को प्रोसेस किया जा सकेगा। अभी तक इतना बड़ा प्लांट कहीं भी नहीं है। दुबई से ही दूसरी भी खबर है कि रोबोट को अब न्यूज एंकरिंग की जिम्मा दी गई है। चीन ने इसको विकसित किया था लेकिन आज से दुबई ने ये शुरू कर दिया उसके प्रसिद्ध न्यूज चैनल में। अब न्यूज एंकर रोबोट होंगे जिनके अंदर मानव का सेंटिमेंट्स को भी डाला गया है। बहुत पहले रजनीकांत की एक मूवी भी आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि रोबोट के अंदर अगर सेंसेशन डाल दिया जाए, उसके अंदर दिल को धड़का दिया जाए तो बहुत सी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन अब न्यूज चैनल में एंकरिंग करने के लिए रोबोट को लाया गया है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भारत में भी आएगा और पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। अगली जो खबर है हमारे पास में, ये खबर है मुंबई से। जब परचेजिंग पावर की बात होती है तो भारत के वो सारे शहर नहीं आ पाते हैं जो वर्ल्ड में टोक्यो का स्थान है, सैन फ्रांसिस्को का स्थान है और शंघाई का स्थान है, सिंगापुर सिटी का स्थान है, लेकिन इन दिनों बॉम्बे का भी सर्वे में टॉप लिस्टिंग में नाम आ गया है। आय बढ़ने की रफ्तार में और परचेजिंग पावर के मामले में भारत का मुंबई वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर सैन फ्रांसिस्को है, टोक्यो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर मुंबई को स्थान दे दिया गया है, और इसलिए करंट अफेयर्स में बहुत जरूरी था। वेस्टर्न एशिया में तेजी से पॉपुलेशन एग्रोवेशन हो रहा है और इसके चलते बॉम्बे की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से ग्रोथ भी कर रही है। हालांकि अब वहां से आउट माइग्रेशन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे वहां से जनसंख्या की जो शिफ्टिंग है वो बेंगलोर की ओर जा रहा है और पूना और चेन्नई की ओर, विशाखापट्टनम की ओर शिफ्टिंग होती जा रही है। अर्बन फ्यूचर नाम की मैगजीन ने इसे सर्वे किया था। 32 शहरों का ये सर्वेक्षण किया गया था, 32 का, और इसमें नाइट फ्रेंक की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने ये चीजों को बताया। 2014 से 18 तक के डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये सर्वे आया जिसमें मुंबई को तीसरा स्थान और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को पहला स्थान दिया गया है। यहाँ पर आई अगर आप देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को में लोगों की आय लगभग
25.6% का इजाफा हो गया, तो ये बहुत बड़ा इजाफा माना जा रहा है। एक और खबर अमेरिका से है कि अमेरिका की एक कार रेंटल कंपनी जो है उसने उसके एक कर्मचारी है जिन्होंने अपने मेंबर्स को जो उनके साथ काम करते थे उन्हें प्रतिदिन पानी में ड्रग्स मिला करके देता था, और उन्होंने इसका कारण बताया कि इससे मूड लोगों का ठीक रहता था, लोगों के अंदर गुस्सा नहीं आता था, और इसका खुलासा 6 महीने के बाद हुआ। अमेरिका में ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ 50 राज्य हैं, 50 राज्य में कानून व्यवस्था अलग है। किसी राज्य में 6 घंटे के काम करने के लिए ज्यादा सैलरी है, किसी राज्य में 9 घंटे के काम के लिए अलग सैलरी है। भारत में एक सिंगल सिस्टम है पूरे भारत में, जो अमेरिका में नहीं है। वहां पर सिटीजनशिप भी 2 है, यानी कि अमेरिका में एक सिटीजनशिप राज्यों की होती है और दूसरी सिटीजनशिप जो है वो देश की होती है, जो भारत में नहीं है। उम्मीद है कि आपको करेंट अफेयर्स का ये शो जरूर अच्छा लगा होगा। हमारे साथ आप प्रतिदिन जुड़िएगा, जो नेशनल इंटरनेशनल की खबर होगी, और अलग से झारखंड से संबंधित भी चीजों को हम बताएंगे जो झारखंड का अपडेट होगा। विनय जाइस एकेडमी का यूट्यूब चैनल और झारखंड अब तक न्यूज का चैनल, दोनों पर आप जुड़े रहिएगा। हम आपको डेली की घटना बताएंगे, घर बैठे हुए आप भी परीक्षा पास कर सकते हैं। शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।